पूर्व की सरकार में जिस जमीन पर कई सारे नियोजन मेले लगाए गए, कई बार नियोजन मेले हुए, नियोजन नीति के तहत रोजगार देने की बात कही गई, आज उस मैदान पर जो है कहीं ना कहीं बच्चे खेल रहे हैं और इकलौता मैदान है इस 5 किलोमीटर के अंतर्गत, जहां की सभी खिलाड़ी हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस मैदान में शाम के वक्त सुबह के वक्त खेलते हैं, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो या बूढ़े बुजुर्ग हो, टहलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि श्रम विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर ITI की चूँकि कॉलेज है और उसके हॉस्टल बनाए निर्माण का कार्य और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल घेरने को लेकर अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको खेलने कूदने में जो बाधाएं आ रही है और आगे चलकर चूँकि यहाँ बिल्डिंग ना बने इसको लेकर यहाँ के लोग कल सांसद संजय सेठ जो है रांची के उनसे मिला और फिर आज DC से भी आवेदन दिया है और सचिव महोदय को भी लिखकर यह आवेदन दिया है कि आप हमारे जो ये खेल का मैदान है, यह खेल का मैदान हमारे लिए सुरक्षित रखें और जो इतने सारे नौजवान जो यहाँ पर खेल रहे हैं इसके लिए यह भूमि रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पूर्व की सरकार में यहाँ पर नियोजन मेले, नियोजन नीति के तहत जो है यहाँ पर नियोजन किए गए, लेकिन अब जो है यहाँ पर चूँकि विभाग की यह जमीन है, सरकारी जमीन है और यहाँ पर कार्य जो है किए जाने की बात कही जा रही है, वैसे में स्थानीय लोगों द्वारा कही जा रही है कि जो यह जमीन है हमें खेलने के लिए दे दिया जाए। क्या कुछ लोगों का कहना है या हम आपसे आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। झारखंड खेल और खिलाड़ियों की भूमि है और वैसे में इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रही हैं ये तस्वीरें ITI मैदान की तस्वीर है और हमारे ठीक पीछे ITI कॉलेज है और यहाँ पर कई ऐसे बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये हमें हमारे ख्याल से इन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी में ये एक इकलौता मैदान है जहाँ की बच्चे खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं और बुजुर्ग भी शाम को टहलने के लिए आते हैं, लेकिन ITI के द्वारा जो है यह बाउंड्री वॉल देने का कार्य शुरू कर दिया गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया कि ये जो मैदान है ये खेलने के लिए राह दिया जाना चाहिए। क्या मानते हैं आप लोग कि आप लोग यहाँ पर खेलते हैं और ITI कॉलेज की यह प्रॉपर्टी को लेकर ये बाउंड्री वॉल दिया जा रहा है, वैसे में क्या मानते हैं आप लोग? आज DC के पास गए, कल सांसद महोदय को भी आपने अपनी पीड़ा बताई, क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, हम लोग कल माननीय सांसद के पास हम लोग कल गए थे जी और उनका भी यही कहना था कि और DC से भी बात की है, DC साहब से बात हुई की है और बोले हैं हम लोग को कि आज कुछ इसमें कुछ विशेष आदेश या कुछ ऐसा जानकारी हम लोग को मिलेगा, काम होगा, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ग्राउंड काफ़ी छोटा होते जा रहा है हम लोग खेलने के लिए जी। यहाँ हम लोग फुटबॉल भी खेलते, फुटबॉल की मैच भी होती है, क्रिकेट भी होता है, ठीक है, बहुत लोग यहाँ टहलने भी आते हैं, 1000 परिवार है करीब इस मोहल्ला में, सारे का स्वास्थ्य लेकर के सारा इशूज़ हम लोग को हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण जो है तुरंत रोका जाए, है ना। अभी 3-4 महीना पहले वहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, ये नया कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर सारा छर बांधा हुआ है और इसमें कोई तरह का कुछ भी दुर्घटना भी हो सकता है खेलते वक्त, छोटे छोटे बच्चे जी जी जी। अभी क्या है कि पुराने बिल्डिंग काफ़ी बन के ऐसे ही रखे हुए हैं, इसमें कोई काम नहीं होता है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है, आगे भी ये बिल्डिंग भी जर्जर है, उसको मरम्मत ना करा करके नया निर्माण किया जा रहा है, उस वजह से ग्राउंड काफ़ी छोटा होते जा रहा है और हम लोग को आने वाला समय में हो सकता है ये भी नहीं बचेगा ग्राउंड खेलने के लिए। तो देखिए, स्थानीय नौजवान है, इनका कहना है कि जो आने वाले दिनों में है दिन प्रतिदिन मैदानों को कहीं ना कहीं घेर कर जो है जिनकी जो प्रॉपर्टी है उनको खेला जाता है, ये नहीं होना चाहिए। जो मैदान खेलने के लिए होनी चाहिए, नौजवानों के लिए टहलने के लिए होना चाहिए, बुजुर्गों के टहलने के लिए आप लोगों के लिए ये मैदान हमारे ख्याल से है, क्या मानते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं, हम लोग सुबह शाम यहाँ घूमते हैं पैदल ही घूमते हैं और बच्चे जो हैं सो एकमात्र इस इलाके में एकमात्र मैदान है जो कि बच्चों के खेलने कूदने की जगह है, यहाँ अंधाधुंध ढंग से सरकारी बिल्डिंग जो बन जाएगा तो यहाँ जगह बचे भी ही नहीं जिसमें बच्चे खेल कूद कर सके, और सरकार को भी मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए मैदान की कितनी आवश्यकता है, और ITI के क्षेत्र में और भी बहुत सी जगह है जहां इस तरह की बिल्डिंग बनाई जा सकती है, इसी कैंपस में दूसरी ओर काफ़ी जमीन है जहां पर इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए काफ़ी जगह है,
वहाँ पर सरकार बनावे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इस मैदान को सुरक्षित रखना हम लोगों का मांग है। लेकिन सवाल यह है कि जमीन जिनकी है, सरकारी जमीन है और वह तो अपनी जमीनों पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? लेकिन हम लोग क्या मांग कर रहे हैं कि ये मैदान सुरक्षित पार्क बनाया जाए या मैदान बनाया जाए, मैदान ही रहे। सांसद महोदय को आप लोग, सांसद महोदय से भी यही कहा गया है खेल कूद के लिए एकमात्र जगह ये जो है इसको इसी तरह से रहने दिया जाए, इस जगह को दूसरे उपयोग में ना लाया जाए, हम लोग यही चाहते हैं। क्या मानते हैं आप लोग? मानते हैं कि ये रुकना चाहिए, मानते हैं कि जब सरकार की नीति है खेलो इंडिया जी, और हमारे देख रहे हैं नौजवान लोग सुबह सब दम भर खेलता है, खूब प्रैक्टिस यहाँ होता है जी, और अगर इस तरह का बिल्डिंग बन जाए जबकि स्थान और है, हम लोग बिल्डिंग बनाने का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यह मैदान छोटा और दर छोटा होता जा रहा है चारों तरफ से बिल्डिंग बनते हुए, तो हम लोग बुजुर्ग व्यक्ति जितने रिटायर्ड पर्सन है सुबह शाम यहाँ घूमते फिरते हैं स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे यहाँ खेलते हैं, अगर ये जगह नष्ट हो जाए जबकि और जगह है, ऐसा नहीं कि आइडिया कि अगर इसी को बनाना है तो उधर भी जगह है सामने रोड के उस तरफ वहाँ पे बनाया जा सकता है, जहाँ पानी टंकी बन रहा है उधर बनाया जा सकता है, तो इस मैदान को छोड़ दो, आईटीआई अब सरकार की जमीन है, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इस जमीन को इस मैदान को हम लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, हम बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने कसरत करने और नौजवानों को खेलने। तो और नगर निगम से आप लोगों ने मांग पार्क को लेकर मैदान अभी तो हम लोग शुरू किए हैं अपनी योजना, कल हम लोग सांसद के पास गए थे, हमारे सारे नौजवान गए थे, काफ़ी लोग गए थे, सांसद महोदय यहाँ आए भी थे कल और उन्होंने भी देखा समझा और बोला हम आपको इस पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो भी होता है। तो देखिए अल्टरनेट जगह भी है, अल्टरनेट जगह है इसके जगह पर रोड के उस साइड जर्जर बिल्डिंग में उसमें बन जाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। बन क्या रहा है यहाँ जैसा हम लोगों ने बनाया क्या जा रहा है? यहाँ पर एक बिल्डिंग ऑलरेडी जैसे कि से बन रहा है, दूसरा बिल्डिंग का जैसे कि खुदाई कार्य चालू हुआ, तब हम लोग जो जागरूक हुए कि इस इलाके का जो सबसे बड़ा जैसे कि आबादी है और यहाँ पर जैसे कि एकमात्र जैसे कि से ये मैदान बचा हुआ, यहाँ पर महिलाएं बच्चियाँ बच्चे लड़के इवन की जैसे कि सेवा निर्वृत्त सब जो लोग हैं रिटायर्ड वो सब लोग घूमते हैं टहलते हैं या बैठने का भी इंटरटेन करने का भी यही एकमात्र साधन है, इसके अलावा दूर दूर तक इस आसपास में कोई इस तरह का मैदान नहीं है। बचाने के लिए हम लोग ये चाहे कि सांसद से मांग किए हैं, सांसद गए भी थे, उपायुक्त से बात किए हैं, उपायुक्त या बोले भी हैं कि हम जैसे कि देखते हैं कि कौन इसमें बिल्डिंग बना रहा है क्या कर रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। तो देखिए डीसी से भी इन लोगों ने मिला है और सांसद महोदय का भी कहना है कि नहीं मैदान को जो है बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे साथ देखिए ये सभी नौजवान हैं, खिलाड़ी हैं, सब के दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, और क्या आप लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम खेलते हैं? तो क्या कीजिएगा आप जब यहाँ घेरा हो जाएंगे कि यहाँ पर नहीं बनना चाहिए बिल्डिंग, अगर यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे हैं हमारे खेलने की जगह नहीं बच रही है, सुबह से शाम यहाँ खेलते हैं, सुबह फुटबॉल रात को शाम तक क्रिकेट खेलते हैं हम, सुबह से 200 या 400 बच्चे यहाँ पर रोज खेलते हैं, यहाँ पर अगर बिल्डिंग बन जाएंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी, सुबह शाम हम फोन पे लगे रहेंगे और वो हम चाहते नहीं है कि फोन पे लगे रहे दिन भर हम या पबजी गेम में हम घुसे रहे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर खेले कूदे अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें बस। लेकिन जमीन तो सरकार का है ना, जमीन सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर जमीन को खाली छोड़ दिया जाए और हमें खेलने का थोड़ा उपाय किया जाए, यहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए बड़ा कहना है कि बिल्डिंग बन जाएगी तो सभी लोगों को जो ये नौजवान है खिलाड़ियों को दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में खिलाड़ियों की काफ़ी अहम भूमिका है और एक से एक खिलाड़ी यहां से निकलकर सामने आ रहे हैं झारखंड में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये आईटीआई का जो ये मैदान है, यहाँ पर देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन ये बाउंड्री वाल या जो भी बनाने का कार्य किया जा रहा है उसको लेकर जो है स्थानीय लोगों द्वारा, आप भी खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, कैसे खेलिएगा? तो काम चल रहा है पीछे तो घर में से फोन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या घूमने घूमते हैं? सुबह में हमारी माँ बहनें यहाँ पर टहलने आती है, उनको भी दिक्कत होगी, वो भी परेशान है कि वहाँ टहलेंगे कहाँ, गली में टहल नहीं सकते। देखिए सर सबसे बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य को हम लोग को ध्यान देना है, आजकल के हम लोग जो खबर पढ़ रहे हैं जो बच्चे बहुत सारे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं,
तो बच्चे लोग अगर स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देंगे तो अगर ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? सबसे पर हम लोग चाहिए, देखिए दूर दूर ग्राउंड, हम लोग अब अपना अब चल के जाएंगे, अब कितना दूर जाएंगे तो वहाँ बच्चा लोग खेलने देता है हम लोग, अब एक ग्राउंड बचा हुआ हम लोग को, हम लोग अब सरकार से निवेदन करते थे कि ग्राउंड छोड़ दे कि हम लोग अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देख सके। क्या भाई क्या बोलते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यह ग्राउंड बचे रहे कि हम यहाँ पर खेल पाए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाए। क्या तुम लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करते हो? फुटबॉल खेलते हैं तो बहुत अच्छा, ग्राउंड नहीं है यहीं पे खेलना होता है, यहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगा तो कहाँ खेलेंगे, घर ही में रह ही सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि हम घर में ही जो है मोबाइल चलाते रह जाएंगे। और ये एक बड़ा सवाल है कि जो शहर में मैदान जिस तरह से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होकर अब एक बड़ा सवाल बन चुका है कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे तस्वीर के माध्यम से कि किस तरह से जो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शाम का वक्त है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या कई ऐसी जो गेम्स हो या बैडमिंटन हो, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वह भी यहाँ पर टहलने की बात कहते हैं शाम होने के बाद। लेकिन जो ये सरकारी ज़मीन है ITI की, यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन होने से कहीं ना कहीं लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों को द्वारा ये एक सवाल कहा जा रहा है कि हमारे साथ ही एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा कि इतने सारे जो ये खिलाड़ी आप देख रहे हैं, बच्चे हो सभी, कहाँ तुम भी खेलने आते हो रोज़ यहाँ, बताओ क्या खेलने आते हो यहाँ? क्या नाम है? फुटबॉल खेलते हो? आशीष कुमार नाम है। क्या नाम है? क्या खेलने आते हो यहाँ? फुटबॉल खेलने आते हो? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि जो यहाँ पर जो ये मैदान है इसे छोड़ दिया जाए और कुछ और जो ज़मीनें हैं उस जगह पर कंस्ट्रक्शन कराया जाए, क्योंकि यह जो घनी आबादी वाली जो ये फील्ड है इसमें कई सारे, देखिए इस वक्त जो है बैडमिंटन बच्चे लेकर आ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्या अब भी खेलने आते हैं सुबह शाम पढ़ाई करने? हम पढ़ आते हैं और यहाँ टहलते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम सिर्फ सबके लिए, यहाँ पे सीनियर सिटीजन आते हैं सुबह में टहलते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, फिर यहाँ पे क्रिकेट के और फुटबॉल के लिए बहुत कम स्पेस रहेगा, प्रॉब्लम सबके लिए। बात ये नहीं कि गड्ढा है, उसमें छड़ निकला हुआ, कोई गिरा तो सीधा जान जाए, जान जा सकता है सर, ऐसा छड़ निकला हुआ अंदर, कोई बच्चा गिरा वहाँ पार करने का रास्ता भी नहीं। तो ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, ये एक बड़ी लापरवाही को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं लेकिन एक बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं कि जो कार्य यहाँ चल रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आप कह सकते हैं सावधानी के लिए ये तस्वीरें नहीं दिखाई गई, और उस मिट्टी को खोद कर जो है बाहर निकाल दिया गया है, और पानी देखिए किस तरह से भरी हुई है, और जैसा कि जो यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनका कहना है कि छर निकला हुआ है और एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं अंजाम दे सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें से जो ये एक बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं। ITI के मैदान पर कितने सारे खिलाड़ी हैं इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें यह बयां कर रही है कि आखिर जो ये सरकारी ज़मीन है इस पर ज़रूर कुछ कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की एक बड़ी परेशानी है कि हमारे लिए ये जो है ज़मीन को छोड़ दिया जाए और इतने सारे जो बच्चे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनके लिए। देखिए इस वक्त भी जो है फुटबॉल एक पानी में डूब गया है और उसे निकालने के लिए किस तरह से छोटे बच्चे जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो ये तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को आप कह सकते हैं कि अंजाम दिया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर के माध्यम से सरकार जो है जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और ITI की जो ये ज़मीन है इसे कम से कम जो एक ऐसे खिलाड़ी हैं इन सब को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। हालांकि सांसद संजय सेठ ने भी इस पर संज्ञान लिया है, DC को पत्र लिखकर यहां के जो आवेदन लिखकर दिया गया है। अब उम्मीद करता हूं कि इस जो यह जो मैदान है, चूँकि 5 किलोमीटर के दायरे में इकलौता यह मैदान है यहां के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जा रहा है, और सभी की उम्मीद जो मांग है कि इस मैदान को हम लोगों के लिए खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।